डोमिनार ब्रेकडाउन था, घनश्याम जी बोले ले जाओ हो जाएगा। घनश्याम जी ने टेस्ट राइड किया, वायरिंग में कुछ शॉर्ट था तो बार बार फ्यूज उड़ रहा था। फिर घनश्याम जी ने मतलब जो है ना क्या कहते हैं उसको, फ्यूज बॉक्स ओपन किया, चाबी दिया, धुआं धुआं, डर गए डायरेक्टली, चाबी ऑफ किया, फिर फ्यूज निकाले भाई जल्दी जल्दी करके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं मिथिला ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी हम लोग हैं दरभंगा के दोनार में और इस साइड है होली क्रॉस स्कूल और सामने इस साइड है श्री बजाज जो कि ऑथराइज शोरूम है बजाज का और दोनार में पड़ता है। मेन सिटी जो होता है सिटी एरिया उसी में आता है मेन ऑथराइज शोरूम। एक्चुअली आप सोच रहे हो भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्चुअली कुछ बात नहीं है, बात ये है कि मेरा पल्सर तो वैसे ठीक है, उसका भी थोड़ा सा मेंटेनेंस है, बट डोमिनार जो है मतलब मेरे भैया का आदित्य भैया है उनका डोमिनार खराब हो गया था तो उसको टो करके लाना पड़ा मधुबनी टू दरभंगा, क्योंकि मतलब मधुबनी में पार्ट्स अवेलेबल था नहीं तो इसलिए दरभंगा लाना पड़ा टो करके ट्रक के ऊपर। तो चलिए देखते हैं मतलब बाइक को क्या कैसा हाल है बाइक का और उसमें क्या क्या खराब हुआ था, मैकेनिक से ही बात करते हैं और पूछते हैं कब तक हमको बाइक मिल जाएगा। क्योंकि डोमिनार जैसे मतलब स्पोर्ट्स बाइक जो कि 400 cc का नहीं सॉरी 375 cc ऐसे करके बाइक है और डोमिनार 400 नाम है, मतलब स्पोर्ट्स बाइक अच्छा खासा बाइक है और महंगा भी अच्छा खासा है और उसमें ऐसा प्रॉब्लम होना बहुत मतलब थोड़ा सा लगता है भाई, क्योंकि इतना महंगा पैसा देकर के आप खरीदे हैं और वो ऐसे ब्रेक हो जाए कहीं पर, ब्रेक नहीं सॉरी मतलब कहीं रुक जाए स्टे हो जाए और उसको उठा करके लाना ट्रक पर थोड़ा सा बुरा लगता है। तो चलिए घनश्याम जी से बात करते हैं जो कि मैकेनिक है और इस बजाज शोरूम से बहुत सारा मतलब रिलेशन है, बहुत सारे लोग पहचानते हैं उनको यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मेरा मतलब मैं बहुत बार आ चुका हूँ तो मेरा कल्चर था तो हर एक आदमी जान पहचान है। तो घनश्याम जी से बात करते हैं, पूछते हैं क्या क्या हुआ, चलिए अंदर चलते हैं। घनश्याम जी जो कि नेचर वाइज बहुत अच्छे आदमी है और इनके यही डोमिनार रिपेयर किए। घनश्याम जी डोमिनार में क्या क्या प्रॉब्लम था आप हमको बताइए, डोमिनार में आपको क्या क्या प्रॉब्लम लगा? रिले में दिक्कत था, स्टार्टिंग दिक्कत था और चलते चलते गाड़ी बंद हो जाता, उसको टोचर करके लाया गया, वायरिंग में डिफॉल्ट था, वायरिंग मतलब बहुत सारा कमी था। तो अभी पूरा तरह गाड़ी फिट हो चुका है, पूरा एक्यूरेट हो गया, एक्यूरेट, तो थैंक यू इसके लिए। और कितना खर्चा आ गया होगा, 3000 का, 3000 रुपये आ गया होगा खर्चा और नॉर्मल सर्विस भी है, जनरल सर्विस, जनरल सर्विस भी है। तो थैंक यू घनश्याम जी, थैंक यू कि आप मेरा बाइक रिपेयर किए, एक बार इधर देख के स्माइल कीजिए, आपको अभी जो है ना मतलब लाखों लोग देख सकता है यूट्यूब पर, समझे लाखों लोग देख रहा है, ऑल ओवर द इंडिया का बात कर रहे हैं, तो थैंक यू इसके लिए। चलिए अब चलते हैं अंदर और बाइक को देख लेते हैं क्या कैसे सीन है। ये है मेरा डोमिनार, पूरा खुला हुआ है आगे पीछे दाएं बाएं और ये है डोमिनार। वहाँ के स्टाफ आके बोले वर्कशॉप में वीडियो नहीं कर सकते, क्या कारण है मतलब वो नहीं मालूम, बट थोड़ा सा क्लिप आ चुका है। वो मेरा डोमिनार पूरा तरह से खुला हुआ है, जब बनेगा तब बताते हैं, अभी नॉर्मल जनरल सर्विस बाकी है और बस यही कहानी, डोमिनार अंदर बन रहा है। उसमें मतलब जो है ना प्रॉब्लम ऐसा आ गया था, गाड़ी चलते चलते बंद हो रहा था, उसके बाद स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, रिले में प्रॉब्लम है और ईसीयू का भी कुछ प्रॉब्लम है, तो 3000 से 3500 का चूना लगा है, अच्छा खासा लगा है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो चलिए सबसे पहले डोमिनार बनवाते हैं फिर बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं श्री बजाज शोरूम में और घनश्याम जी यहाँ डोमिनार बाइक का मतलब टेस्टिंग लेने का है, ये डोमिनार बाइक है और बोल रहे हैं बहुत हर चीज़ हो चुका है कम्प्लीट। घनश्याम जी बाइक हो चुका है कम्प्लीट, हाँ हो गया, हो गया। और घनश्याम जी मुस्कुरा रहे हैं, इनका सामान बहुत अच्छा लगता है हमको और पर्सनली बोला जाए तो घनश्याम जी बहुत अच्छे बिहेव किया है, ये डोमिनार चल रहा है। घनश्याम जी गाड़ी को खींचिए तो देखिए कितना पावर है, बहुत पावर है। डोमिनार का मैं सीन बताता हूँ हुआ क्या, डोमिनार ब्रेकडाउन था, घनश्याम जी बोले ले जाओ हो जाएगा। घनश्याम जी ने टेस्ट राइड किया, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल एक नंबर चला गाड़ी, कोई इशू नहीं। मैं बैठा गाड़ी के ऊपर, सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया भाई, मतलब अगर भाई ऑल ओके, घनश्याम जी आपने भी बोला था ऑल ओके हो चुका है, बट घनश्याम जी ने अपने तरफ अपना 100% दिया, उन्होंने बहुत मेहनत की गाड़ी पे, मैं ये नहीं बोला घनश्याम जी खराब सर्विस किए, ये वो किए, बट आई थिंक वायरिंग में कुछ शॉर्ट था तो बार बार फ्यूज उड़ रहा था। फिर घनश्याम जी ने मतलब जो है ना क्या कहते हैं उसको, फ्यूज बॉक्स ओपन किया, चाबी दिया, धुआं धुआं, डर गए डायरेक्टली, चाबी ऑफ किया, फिर फ्यूज निकाले भाई जल्दी जल्दी करके। तो मतलब उनको भी जो है ना वायरिंग में शॉर्टेज है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने भाई बोला कि देखिए देखते हैं सेपरेटली पूरा जो है क्या कहते हैं वायर को वो चेक करेंगे। उन्होंने बोला बाइक आप रहने दीजिए, आप नेक्स्ट डे ले जाएंगे, यानी कल ले जाएंगे। आज तारीख भाई कितना है, आर यू श्योर 100%? हाँ जी, ये बोल रहा है 17 तारीख है, हम बोल रहे हैं 32 तारीख है।
तो 17 तारीख है, तो कल 18 तारीख को जाएंगे भाई। हम कन्फर्म करने दे पहले, 17 तारीख है फिर नहीं, हम सही में भूल रहे हैं। हाँ 17 है। तू जीत गया ब्रो, पर मेरे लिए 32 तारीख। तो कहने का यही मतलब है कि आज 17 तारीख है, तो कल 18 तारीख को हम लोग जाएंगे। नीचे नाला था, गिर जाते अभी। नाला नहीं, सूखा हुआ है। तो बात ऐसा है कि हम लोग 18 तारीख को जाएंगे, और हाथ ऐसे ऐसे रखे रखे दर्द हो रहा है, इसको कहीं फिक्स करते फोन को। तो बात ऐसा हुआ कि आदित्य भैया का बाइक में से धुआं निकल रहा है फ्यूज बॉक्स से, घनश्याम जी भी बंद किए चेक किए। तुम कॉपीराइट दिलवा के मानोगे मतलब? नहीं, गाना बज रहा है इसमें, आई थिंक आप लोग आवाज़ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बंद कर देते हैं पहले ये, ताकि कॉपीराइट दिलवा देगा मेरे गाना पे। तो बाइक का यही सीन था कि अभी तक ठीक नहीं हुआ, रिपेयर नहीं हुआ, तो इतना ही शॉट्स था, और जो भी आपको सिनेमैटिक शॉट दिखा है नहीं ठीक हुआ अभी तक ना, जब ठीक होगा तब बात करते हैं। और ज़िंदगी क्या कहें, इस पटरी पे, इस मुकाम पे पहुंच रही है कि थोड़ा सा लोड पड़ रहा है, क्या कहते हैं, इस बच्चे के ऊपर लोड पड़ रहा है, दिव्यांशु के ऊपर लोड पड़ रहा है। पहले लोड किस बात का भाई, क्योंकि वक्त जो है ना, वक्त के साथ आपको बदलना पड़ता है, वक्त के साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं आपके ऊपर। सॉरी मैं मतलब लड़खड़ाहट हो रहा है, ठंडी बहुत है। वक्त के साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं आपके ऊपर, तो वही बात है। और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं अभी, अभी तो मतलब क्लासेस सब बंद है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो बट इसीलिए यूट्यूब अभी टाइम है तो चला रहे हैं। आई डोंट नो कब ये यूट्यूब बंद हो जाए, कब क्या हो जाए, क्योंकि बात ऐसा है ना कि टाइम जो है ना, टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता। ठीक है, बाइक लगाओ, आप लोग देख ही सकते हो ज़िंदगी उथल पुथल सी है, क्योंकि न्यू लोड पड़ना शुरू हुआ है माथा के ऊपर, तो थोड़ा सा है टेंशन माथा को। यही बोलेंगे, बाइक आपका नहीं बना सेतु भैया, रहने दीजिए, जब तक रहता है रहने दीजिए। और श्यामा माई में आए हुए हैं, मैं और दिव्यांशु आए हुए हैं। दिव्यांशु का सीन ये है कि वो IIT JEE मेंस का तैयारी कर रहा है, तो दिन भर वो ऑनलाइन क्लासेस में था। शाम को कॉल किया, भाई तू कहाँ है? तो मैंने बोला घर पे है भाई, तो थोड़ा सा आ जाओ हमको ले चलो घुमाने के लिए। बोले सही है भाई, ले चलते, हम भी चलते, अपना ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेंगे, और कैमरा हिल रहा, ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बोले ठीक है भाई, चल चलते हैं। तो श्यामा माई आए हुए हैं, इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बना के रखे, आप लोग देख लीजिएगा, आई बटन में आएगा। बस यही कहानी है, अब घर की तरफ जा रहे थे, सोचे आपका वीडियो एंड कर देते डोमिनार वाला। आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, बंदा तो ये सिनेमैटिक लुक ये वो सब कुछ दिखाया। बाइक जो है डोमिनार बहुत अच्छा है, बहुत स्पोर्ट्स बाइक, मतलब बहुत अच्छा स्पोर्ट्स बाइक है, और बहुत अच्छा स्पीड भी देता है, वो पिकअप भी देता है, बट उसका ये कमी हमको जो है थोड़ा सा सही नहीं लगा, क्योंकि वायरिंग शॉर्ट हो जा रहा, कोई छोटी सी बात नहीं होती बाइक में। तो देख लीजिए आप लोग क्या कैसे, आई थिंक आपको लगता है चूहा का वजह से, चूहा घुस गया होगा, काट दिया होता है, उसी वजह से वायरिंग शॉर्ट हो रहा है। और जल्दी जल्दी बोलने का आदत है, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया भाई थोड़ा धीरे बोलो, बट आदत है तो है, क्या कर सकते हैं, ऐसे भुगतिए, जो भी जैसा है हम आप ही का हैं। और एक सब्सक्राइबर हमसे पूछ रहे थे कि भाई आप जो है ना, क्या कहते हैं, किसी को कुछ फ्रेंकली बोल दे तो आपको डर नहीं लगता है, मतलब कोई कुछ कहेगा? बोले भाई डर किस बात का लगा, मेरे पीछे जो ये 197 सब्सक्राइबर हैं वो छोड़ देंगे क्या उसको, किसी को भी? तो यही बात है, डरने का कोई बात नहीं, वैसे भी हम गलत होंगे जब डरेंगे, हम गलत नहीं है तो नहीं डरेंगे भाई, और फ्रेंकली बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग व्यू के माध्यम से, लाइक के माध्यम से हमेशा दिखाते रहते हो। और आई थिंक इन फ्यूचर मुझे अगर आपकी जरूरत पड़ी तो आप लोग भी मेरे साथ खड़ा रहोगे हमेशा, क्योंकि फैमिली ऐसे नहीं बनती है, 197 की हमारी फैमिली है। थैंक यू यार दिल से, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल या सुझाव हो या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता दिए, मैं उस टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।